इसमें क्या है कि कोई भी फंक्शन जो होता है मेरा, ये दो चीज से मिलके बना होता है, ठीक है। एक जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक होता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर मान लो कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 2x+1, और ये एफ एक्स को हम लोग वाई भी बोलते हैं, है ना। वाई इज इक्वल टू 2x+1, एक हम फंक्शन लिए। अब इस फंक्शन में क्या है कि अगर हम अपनी मर्जी से एक्स का वैल्यू 1 डालते हैं, तो वाई का वैल्यू क्या होता है, 2 × x की जगह में 1 + 1, कितना हो गया ये, 3, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम लोग अपनी मर्जी से 2 डालते हैं, तो ये क्या हो गया, 4 + 1 = 5। अब एक्स का वैल्यू अपनी मर्जी से 3 डालते हैं, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि एक्स का वैल्यू जो है ना, हम लोग अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट, एक्स किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ये। लेकिन वाई का वैल्यू जो डिपेंड कर रहा है ना, वाई डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे हम लोग एक्स का वैल्यू डाल रहे हैं, उस हिसाब से वाई का वैल्यू चेंज होता है। तो इसलिए वाई क्या हो गया, तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल से मिलकर बना होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये फंक्शन में होता क्या है, फंक्शन को अगर हम समझाएं तो फंक्शन एक तरह का मान लेते हैं क्या, मशीन है, ठीक है, एक मशीन मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम कुछ एक्स का वैल्यू को जो है ना डाल रहे हैं, जैसे x1 x2 x3 डाल रहे हैं, और ये मशीन में प्रोसेस हो करके यहाँ पे मुझे कलेक्शन क्या चीज़ का मिल रहा है, वाई का, ठीक है। यहाँ पे वाई का कलेक्शन मिल रहा है, y1 y2 y3। इस तरह से क्या है ना कि एक्स और वाई में ये मशीन क्या काम रोल निभा रहा है, ये फंक्शन का रोल निभा रहा है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू जैसे जैसे डाल रहे हैं, वाई का वैल्यू हमें मिलता चला जा रहा है। अब इसमें इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें मेन हमारा क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। पहला चीज, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। पहला चीज़ तो ये कि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर ग्राफ अगर क्लियर है ना, तो जो कि हमारा मेंस और एडवांस में आता है क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं डोमेन निकालना, फंक्शन का रेंज निकालना, अब ये सब क्या है, 1 by 1 मैं डिस्कस करता हूँ। डोमेन, रेंज, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो पता करना, कोई फंक्शन ऑड है या इवन है ये पता करना, कोई फंक्शन पेरियोडिक है कि नहीं पेरियोडिक है वो पता करना, ठीक है। तो ये सारा चीज़, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ जो है ना, वो सारा चीज़ हमें कैसे पता चलता है, अगर हमारा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट अगर सही है, ठीक है। अगर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट सही है तो हमें सब कुछ पता चलता रहेगा कि डोमेन कैसे निकालें, रेंज कैसे निकालें। तो मेन क्या है कि अगर डोमेन रेंज निकालने का बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है। हालांकि आप लोग देखे होंगे जेई मेंस का क्वेश्चन, इस बार पेपर दिए थे जेई मेंस का, डोमेन का क्वेश्चन आता ही है, रेंज का क्वेश्चन आता ही है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा ना कि एक तो प्रोसेस से निकलता है, और दूसरा जो एडवांस में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, उसके लिए ग्राफिकल कॉन्सेप्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फंक्शन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ना ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ग्राफ पढ़े हो आप लोग इससे पहले? ग्राफ नहीं पढ़े हो अभी तक? ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहला चीज़ तो एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, है ना, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चाहिए। अब ये एक्स एक्सिस वही एक्स है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जरा बताओ तो, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये वाई क्या है, वही डिपेंडेंट वेरिएबल ही है ये, ठीक है, जो कि वर्टिकल वाला एक्सिस में शो होगा और इंडिपेंडेंट जो कि हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस पे शो होगा।
अब इसमें सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं क्या कि ये ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन किस किस तरह का होता है। तो टोटल कुल मिलाकर के फंक्शन जो है ना मेरा, टोटल कुल मिलाकर के हमारे पास ये फंक्शन है पांच तरह के, आई एल ए टी एंड ई। जानते हो इसके बारे क्या है ये? आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं, सिर्फ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री का जब इनवर्स निकालते हैं ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स फंक्शन बहुत सारे फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन और बोलो लॉगरिथमिक फंक्शन, और बोलो अलजेब्रिक फंक्शन, और बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुल मिलाकर के हमारे जो मैथ्स में है ना यही पांच तरह के फंक्शन है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मॉड मॉड फंक्शन का नाम सुने हो, ये मॉड क्या है ना, सोचोगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। अब तुम लोग बोलोगे ना कि सर आप बोल रहे पांच ही तरह का फंक्शन होता है, तो मॉड फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है ना, तो ये सब सब जो है ना इसी में आता है, समझ रहे हो ना। तो देखो इसको डिवाइड कैसे किया गया, तो डिवाइड ऐसे हुआ, फंक्शन एक अकेला फंक्शन था, ठीक है। इसको पूरा जो है अच्छा से इसको समझना डिटेल में, ठीक है। पहले तो फंक्शन के टाइप्स के बारे में समझ लो, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन बस एक फंक्शन था। अब इस फंक्शन को क्या किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तरफ में आई एल टी ई को रखा गया, और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ ए को रखा गया। ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग सब समझ गए है ना, इनवर्स लॉग ट्रिगो एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये सब एक तरफ रखा गया और अलजेब्रिक फंक्शन को सिर्फ एक तरफ रखा गया। क्यों पता है? क्योंकि अलजेब्रिक में बहुत सारा चीज आ जाता है ना, अलजेब्रिक में अलजेब्रा का पूरा बुक ही एक आ गया, ठीक है। हालांकि ट्रिगो का भी अपना एक अलग बुक आता है, लेकिन फिर भी अलजेब्रा में बहुत सारा चीज आ जाता है। तो देखो वन बाय वन देखते चलो अलजेब्रा में क्या क्या आता है। अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। नाम सुने हो पॉलिनोमियल फंक्शन का ना। दूसरा क्या आता है, रेशनल फंक्शन। थर्ड क्या आ जाता है, इरेशनल फंक्शन। उसके बाद क्या आ जाता है, पीस वाइज फंक्शन। अब ये पीस वाइज फंक्शन जो है ना, इस पर जेई एडवांस जो है ना कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती है। एडवांस हो चाहे मेंस हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा ही ध्यान देती है इस फंक्शन में, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज़ जो है ना, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन सब जो जनरेट होता है इस पर। अब ये पीस वाइज फंक्शन में आता क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन इस पर आता है। और बोलो आइडिया है मॉड्यूलस फंक्शन, आइडिया है कि नहीं तुम लोगों को? इसका नाम सुने हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये सब नहीं सुने हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और बोलो सिग्नम फंक्शन, है ना, आइडिया है ना ये सब के बारे कि नहीं है, है ना। तो देखो ये इतना तरह का फंक्शन जो है ना, बस इतना फंक्शन इतना ही होता है, फंक्शन एक पांच तरह का ही फंक्शन होता है, उसी में इतना सारा पार्ट है, ठीक है। अलजेब्रा को अलग क्यों किए समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वन बाय वन समझते चलना। पॉलिनोमियल फंक्शन बना कैसे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक पहुँचा, ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस जीरो, मतलब ए टू ए एन बस, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे जो एन है ये क्या है, इसका हाइएस्ट पावर है कि नहीं, हाइएस्ट पावर है ना एक्स के ऊपर, और यही हाइएस्ट पावर यानी कि एन अगर मान लो कि टू हो जाता है,
तो ये क्या बन जाएगा, जरा सोचो ये फंक्शन क्या बनेगा, ए नॉट एक्स टू द पावर 2 प्लस ए वन एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस ए 2। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कौन सा फंक्शन, क्वाड्रेटिक, है ना, ये कौन सा फंक्शन बना, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन एक तरह का क्या है, पॉलिनोमियल ही फंक्शन है ना, है कि नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है। और कैसा पॉलिनोमियल है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर मान लो यही एन को अगर हम लोग 3 कर दें तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, जरा सोचो, ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे कॉन्स्टेंट का नाम चेंज हो रहा है बस, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 4 ही टर्म, इसलिए मैं बी सी डी ले लिए, यहाँ पे मेरे पास 3 ही टर्म, इसलिए ए बी सी ले लिए, क्यों बार बार ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ले, समझ रहे हो ना, बात एक ही है, इससे घबराने का नहीं है। तो ये एक क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन विथ डिग्री 3, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक फंक्शन। अगर यही n का वैल्यू जो है 4 हो जाए तो ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, ठीक है। तो ये क्या है, बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक दो बार मतलब पावर 4, ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक जानते हो ना। तो ये सारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल के बाद आते हैं रेशनल के पर, रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान देना जरा, सेकेंड क्या है मेरा, रेशनल फंक्शन है ना, रेशनल फंक्शन। अब ये रेशनल फंक्शन क्या चीज है, अगर कोई फंक्शन रेशियो में हो, पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर भी हो, है ना, और पॉलिनोमियल फंक्शन नीचे भी हो, मतलब कि न्यूमेरेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि 5x³ + 3x + 1 डिवाइडेड बाई 2x² + 3x + 4। तो बताओ, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ये कैसा फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है। दूसरा, अगला में चलते हैं, रेशनल के बाद क्या है, इरेशनल फंक्शन, है ना, इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे, बोलो, जब पावर जो है ना वो एक इरेशनल नंबर हो, समझ में आ रहा है, इरेशनल पावर, पावर जो है ऐसा कुछ हो, क्या बोलो, क्या क्या कोई डाउट है, वो कुछ भी हो सकता है, वो नीचे ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रेशनल होना चाहिए। अब इरेशनल फंक्शन देखो किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि 2x³ / 2 प्लस 4x⁻⁹ प्लस 7x³ / 2 डिवाइडेड बाई 3x⁴ / 4 प्लस 4x⁵ / 2। तो इस तरह का फंक्शन को क्या बोलेंगे, इरेशनल फंक्शन, जब पावर जो है ना इस तरह का रहेगा तो इरेशनल फंक्शन। अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे, जिसको क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन, और बाद में धीरे धीरे जो है ना इस पर चलते रहेंगे, ठीक है, लॉग इनवर्स ये सब में, एक्सपोनेंशियल ये सब पे चलेंगे, लेकिन पहले हमें क्या जानना है, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। चलो पीस वाइज फंक्शन से पहले मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को, अच्छा लॉग फंक्शन के बारे जानते हो, बोलो, एक्सपोनेंशियल पढ़े हो ना, इसको क्या नोट करना है, कर लो नोट, नोट कर लो, काम का चीज़ है, ठीक है। इतना तुम लोगों का इतना है कि अगर आज का क्लास सही से कर लोगे ना तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन डन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन आता है ये डोमेन रेंज का। देखो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाने से लेकर, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे है, देखो ध्यान देना जरा,
देखो किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे कहते हम लोग। अच्छा तुम लोगों को ये आइडिया है क्या, अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ तो ये ऐसे बनता है, किसी को पता है आइडिया है? नहीं है तो बोलो, है पता है कैसे बनता है? कैसे बनता है उतना वैल्यू वैल्यू थोड़ी पुट करेंगे, ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया ना। अच्छा हम बता सकते हैं हाँ बोलो। x का नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए y का वैल्यू नहीं, y का नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू के लिए x हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ अब सुनो, ये एक स्क्वायर है, x के ऊपर क्या है पावर 2 है और y के ऊपर पावर क्या है 1 है, ठीक है। जिस पर पावर कम होता है उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। तो देखो ये वाई पे पावर कम है मतलब 1 है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बना, ठीक है। पैराबोला पढ़े हो ना, तो ये एक पैराबोला ही तो है, ठीक है। अब देखो ये सब ये तो बेसिक चीज हो गया, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना। वेवी कर्व मेथड, इसका नाम सुने हो? वेवी कर्व मेथड पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाने का सबसे मजेदार तरीका होता है ये, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। अब देखो, अच्छा तुम लोग को ये बताओ कि अगर मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, ये इक्वल टू 0 नहीं, मान लो ये फंक्शन दिया हूँ मैं, अब इसका ग्राफ बनाओ। बना पाए हुए बन जाएगा इसका ग्राफ, बोलो। नहीं, वैल्यू निकालना तो लेंदी प्रोसेस हो गया ना, तुम कितना वैल्यू निकालोगे, 1 2 3 4 कितना निकालोगे? अब ध्यान देना यहाँ पे, ये x²-5x+6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इक्वल टू 0 करो पहले, ठीक है। अब ये बताओ कि इसको क्या सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, याद है कुछ आइडिया है? x²-2x-3x+6=0, एक्स को कॉमन लिए, इधर से x-2 बना, इधर -3 को कॉमन लिए, इधर से x-2 बना इक्वल टू 0, यहाँ से x-2 को कॉमन लिए, यहाँ से x-2 को कॉमन लिए, ये बन गया x-2, ये बन गया x-3 इक्वल टू 0। अच्छा अब ये बताओ ये काम करने किसको आता है? आता है ना, फैक्टराइज करने आता है ना, ये सब तो 8-9 में पढ़ाया जाता है। अब जरा तुम यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला चीज 0, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है यहाँ पे, है ना। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब होता है? या तो जब x-2 0 हो जाए या तो जब x-3 0 हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी 0 नहीं है फिर भी 0, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दोनों में से किसी ना किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, तभी 0 देगा ओवरऑल पूरा। तो अच्छा अब ये बताओ x-2 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 2 हो जाए। x-3 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 3 हो जाए। नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। अब ये चीज 0, अब दो वैल्यू मिला मेरे को, क्या x का वैल्यू 2 मिला, एक 3 मिला। नंबर लाइन पे प्लॉट किए 2 एंड 3, ठीक है। राइट से पॉजिटिव ऐसे शुरू होगा, ऐसे देखना जरा, वैल्यू ध्यान देना यहाँ पे, बहुत काम का चीज है। प्लस से शुरू हुआ राइट से, फिर ये आगे बढ़ा बढ़ा कहाँ पहुंचा? 3 पे। और 3 दिया कौन? ये 3 दिया या ये 3 दिया? सेकंड वाला 3 दिया ना। और इसके ऊपर पावर क्या है? 1। 1 क्या होता है? ऑड। अगर यहाँ पे ऑड है, ठीक है, जो चीज 3 दिया उसके ऊपर अगर ऑड लगा हुआ है तो ये बढ़ते बढ़ते 3 तक पहुंचा, और ऑड अगर है तो प्लस चेंज हो जाएगा क्या चीज में? माइनस में, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ा, बढ़ते 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 आगे बढ़ा, 2 पे पहुंचा, 2 कौन दिया? ये। और इसके ऊपर पावर क्या है? ऑड, मतलब ये माइनस फिर से चेंज हो गया, क्या चीज में बदल गया? प्लस में। अब इस चीज का मीनिंग जानते हो क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू लो, तुमको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। 3 से आगे का कोई भी वैल्यू लो क्या मिलेगा तुमको? पॉजिटिव वैल्यू। और 2 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू लो क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू। ले लेते हैं वैल्यू, कुछ पुट करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हम 3 से आगे कुछ ले लिए, पुट x=4, तो y क्या मिला तुमको बोलो? 4²-5×4+6 कितना हो गया ये? 16, 26।
22 माइनस 22 क्या ये पॉजिटिव है ना पॉजिटिव, और 3 से आगे का वैल्यू के लिए पॉजिटिव आया। अब तुम क्या करो, पुट x इक्वल टू 2 से पहले का कोई वैल्यू, 2 से पहले का कोई भी वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करते क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, क्या बन गया ये 1 माइनस 5 प्लस 6 मतलब कितना 7 माइनस 5 मतलब 2, और 2 क्या पॉजिटिव है, सही है, मतलब करेक्ट आ रहा है सारा चीज। अब हम लेते हैं क्या 2 और 3 के बीच का कोई वैल्यू, 2 और 3 के बीच का कोई वैल्यू क्या हो सकता है, पुट x का वैल्यू 2.5, कोई प्रॉब्लम, 2 और 3 के बीच ही तो आता है 2.5। अब ये 2.5 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2.5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 प्लस 6, बताओ तो 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25, और इसका वैल्यू क्या होगा 12.5, और इसका वैल्यू 6। 6 और 6.25 दोनों पॉजिटिव है, जोड़ो कितना आएगा 12.25, और माइनस क्या हो रहा है 12.5, ये बड़ा है या ये बड़ा है, 12.5 बड़ा है और उसके पीछे नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव आ गया, समझ में आया। तो ये कहानी पूरा चलता है। अब ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया सारा चीज़। चलो अब अपने से ज़रा इसको ट्राई करो, तो जैसे मान लो हम तुमको फंक्शन दे दिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे दिए, अब ज़रा ट्राई करो तो क्या होगा, बस हो गया सही है। तुम लोग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एरिया कर लिए, इजी है ना, इसको फैक्टराइज किए तो क्या मिला, एक एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री ये मिला, यानी कि x का वैल्यू माइनस टू पे ये जीरो दिया और x का वैल्यू माइनस थ्री पे ये जीरो दिया, ये हो गया माइनस टू ये हो गया माइनस थ्री। फिर से हम इधर से पॉजिटिव से चले आगे बढ़े, माइनस थ्री कौन दिया ये वाला चीज़, इसके ऊपर पावर क्या ऑड, तो प्लस चेंज हो गया माइनस में। फिर आगे बढ़े माइनस टू, इसके ऊपर भी पावर ऑड, माइनस चेंज हो गया प्लस में, ठीक है। अगर मान लो तुमको हम बोले कि इसका बताओ एरिया, यहाँ दिखाई दे रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और चेंज करो इससे प्लस माइनस प्लस में लिख के दिखाओ, इसको कर लोगे, ये कब जीरो देगा x का वैल्यू 2 पे, ये कब जीरो देगा x का वैल्यू 3 पे, ये कब जीरो देगा x का वैल्यू 4 पे, ये कब जीरो देगा x का वैल्यू 5 पे। नंबर लाइन प्लॉट किए, वैल्यू क्या क्या मिला 2 3 4 5, सबके ऊपर पावर ऑड है ना, तो पॉजिटिव से ये शुरू हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ में आ गया ना, इसमें आप कभी फंसोगे नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। अगर मान लो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है x माइनस टू का होल स्क्वायर x माइनस वन इंटू एक्स, इसको डिवाइड कर सकते हो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया, देखो ये कुछ नया है ठीक है, इसको समझना ध्यान से, ये कब जीरो देगा x का वैल्यू 2 पे, ये और ये 0 पे, यानी नंबर लाइन पे मेरे को 2-3 वैल्यू मिला 0, 1 एंड 2, ठीक है 0, 1, 2। चलते हैं कहाँ से, पॉजिटिव से आगे बढ़ते हैं, 2 पे पहुँचे, 2 कौन दे रहा है ये, इसके ऊपर पावर बोलो इवन, तो ये प्लस प्लस ही रह जाएगा। फिर आगे बढ़े 1, 1 कौन दिया ये, इसके ऊपर पावर ऑड, तो प्लस माइनस में, ठीक है। फिर आगे बढ़े 0 कौन दिया ये, इसके ऊपर भी पावर ऑड, माइनस फिर से प्लस में, समझ में आ गया ना कैसे करते हैं, क्लियर, फंसोगे नहीं अब इसमें। चलो अब हम आते हैं मेन अपने मुद्दे पे जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे सटीक उपाय यही है, सबसे अच्छा तरीका यही है, इसका कुछ स्टेप्स है, इसको सिर्फ याद रखना। देखो पहला चीज, अगर पॉजिटिव साइड में कहीं आता है तो ग्राफ तुम्हारा या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया। ये तुम्हारा पहला तरीका, सारा ये मेथड को याद रखना है। अगर माइनस तुम्हारे साइड में कहीं पे आता है तो ग्राफ या तो ऐसे जाएगा नीचे उतर के, या तो ऐसे जाएगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, अगर प्लस मिड में आता है दो नंबर्स के, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स वन है और यहाँ पे एक्स टू है, दो नंबर के मिड में अगर मान लो प्लस आया, ठीक है, दो नंबर के मिड में अगर प्लस आया तो ऐसे करके ये बनेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोम अपवर्ड। अगर प्लस दो नंबर्स के बीच में आएगा तो डोम अपवर्ड बनेगा, ठीक है। अगर माइनस आता है दो नंबर्स के मिड में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये x1, यहाँ पे ये x2 और बीच में माइनस, तो डोम बनेगा ऐसे, और इसको क्या बोलेंगे, डोम डाउनवर्ड, ठीक है। डोम बन गया किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, समझ में आया? बोलो। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, पहला क्वेश्चन यही था ना मेरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यही था ना। अगर मान लो इसका ग्राफ तुमको बनाने दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस टू, x माइनस थ्री में ये टू था, ये ज़ीरो दिया x का वैल्यू टू पे, ये ज़ीरो दिया x का वैल्यू थ्री पे, ठीक है। नंबर लाइन पे ड्रॉ किए टू एंड थ्री, प्लस आया इधर, माइनस आया था इधर, प्लस आया था इधर। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर प्लस साइड में है, अगर प्लस साइड में है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा या ऐसा। तो राइट साइड में है तो ये राइट साइड वाला ऐसा बना ग्राफ, ठीक है। अगर माइनस मिड में है, देखो यहाँ माइनस मिड में है ना, दो नंबर्स के मिड में, तो माइनस अगर मिड में है तो डोम बनेगा क्या, डाउनवर्ड, तो ये डोम बना डाउनवर्ड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अगर प्लस साइड में है तो प्लस साइड में ये वाला ग्राफ, और ये ग्राफ बन गया ऐसे। क्लियर? समझ में आया? बेबी कर्व मेथड में क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। अगर यही क्वेश्चन में अगर मैं तुमको बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर का ग्राफ आप बनाइए, बना लोगे? कैसे बनेगा देखो, ये जीरो कब देगा x का वैल्यू टू पे, ये जीरो कब दिया x का वैल्यू थ्री पे, ये जीरो कब दिया x का वैल्यू फोर पे। नंबर लाइन ड्रॉ किए टू थ्री फोर, सब पे पावर ऑड, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे ही चला। अगर प्लस साइड में है तो ग्राफ कैसा, ऐसा, ऐसा ऊपर चढ़ता हुआ। अगर माइनस मिड में तो डोम डाउनवर्ड, तो ये डोम बन गया यहाँ पे डाउनवर्ड। अगर प्लस दो नंबर्स के मिड में, देखो दो नंबर्स के मिड में प्लस है, तो डोम अपवर्ड, ये बना। अगर माइनस साइड में तो ग्राफ ऐसा, मतलब ग्राफ ऐसा। बताओ इजी है ये मेथड का, जानकारी था पहले नहीं था, मिटा दे। अब देखो, अब हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ा सोचते। अच्छा ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में जानकारी है, इलेवेंथ में पढ़े होगे ना, ग्राफ वगैरह का नॉलेज है? अगर नहीं है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का भी सारा ग्राफ को देख लो। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बताओ? ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही चलता रहता है, पीछे भी ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, ऐसे ही रहता है ना साइन एक्स का ग्राफ, गलत तो नहीं है। अब इसमें ये वाला वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो डिग्री, ये मैक्सिमम कहाँ तक गया, प्लस वन, ये मिनिमम कहाँ तक जाता है, माइनस वन, ये वन कब देता है, पाई बाई टू पे, वापस से ये ज़ीरो कब देता है, पाई पे,
ये माइनस वन कब देता है, थ्री पाई बाई टू पे, उसके बाद ये फिर से जीरो कब देता है, टू पाई पे। ठीक है, आइडिया है साइन एक्स के बारे? ठीक है, सारा ग्राफ को एक एक बार देख लो। कॉस एक्स का ग्राफ के बारे भी जानकारी है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा चलता है, ऐसा है ना, ऐसे ही चलता है ना, ये ऐसे चलता है। ये जीरो पे ये क्या देता है, वन, पाई बाई टू पे ये क्या देता है, जीरो, पाई पे ये क्या देता है, माइनस वन, और फिर थ्री पाई बाई टू पे ये क्या देता है, वापस से जीरो, उसके बाद फिर से ये टू पाई पे क्या देता है, प्लस वन। ठीक है, आइडिया है इसके बारे भी, कॉस एक्स। उसके बाद आते हैं टेन एक्स, टेन एक्स का ग्राफ के बारे जानकारी है, बोलो टेन एक्स का ग्राफ के लिए क्या करना है तुमको। सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लो, उसके बाद एक वाई एक्सिस बना लो, ठीक है, और इसको डिवाइड ऐसे करो, ये है तुम्हारा क्या, प्लस पाई बाई टू, ये क्या है, माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू में पाई जोड़ो कितना बनेगा, थ्री पाई बाई टू, बीच में क्या आएगा, पाई, माइनस पाई बाई टू में भी ये क्या बन जाएगा, माइनस थ्री पाई बाई टू, बीच में क्या आएगा, माइनस पाई। अब जरा ध्यान देना, टेन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, टेन एक्स का ग्राफ देखो ऐसा बनता है, और ये ऐसे ही रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, ये टेन एक्स का ग्राफ है। तुम अपने से बताओ कि टेन जीरो पे देखो जीरो दिया, क्या टेन पाई बाई टू पे देखो ऊपर इंफिनिटी पे जा रहा है ना, तो टेन पाई बाई टू इंफिनिटी होता भी है ना। टेन पाई बाई टू मतलब क्या, टेन पाई बाई टू मतलब साइन पाई बाई टू बाई कॉस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन देता है, कॉस पाई बाई टू जीरो देता है, वन बाई जीरो व्हाट, इन्फिनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया टेन एक्स का ग्राफ। अब कॉटेक्स का ग्राफ देखो, आइडिया है कॉटेक्स का ग्राफ के बारे, बोलो जल्दी। टेन के जैसा ही होता है, तो देखो कॉटेक्स का ग्राफ में क्या होता है ना, इसमें हम लोग जीरो से पाई पाई का जो है ना, ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है ना, और ये देखो क्या होता है, ऐसे यहाँ पे बीच में पाई बाई टू है, और ये ऐसे उतरता हुआ रहता है, ऐसे यहाँ पे थ्री पाई बाई टू है, और ये ऐसे उतरता हुआ दिखेगा तुमको, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू है, यहाँ पे माइनस पाई है, ये ऐसे उतरता हुआ ग्राफ दिखेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, कॉटेक्स का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, कॉसेक एक्स का ग्राफ देखे हो, इसमें बहुत लोग फंसते हैं, आइडिया है, नहीं बहुत जगह नहीं भी पढ़ाते, यहाँ तक पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आइडिया रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी पूछा जा सकता है आईआईटी में, तो ध्यान देना यहाँ पे कॉसेक एक्स का ग्राफ। कॉसिक जीरो मतलब क्या, वन बाई साइन जीरो ना, कॉसिक जीरो मतलब वन बाई साइन जीरो। अच्छा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है क्या, मतलब वन बाई जीरो व्हाट, इनफाइनाइट। अच्छा, अब ये बताओ कि कॉसिक पाई बाई टू मतलब क्या, वन बाई साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन। अच्छा, अब ये बताओ कि कॉसिक पाई मतलब क्या, वन बाई साइन पाई, और साइन पाई क्या देता है, फिर से इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है कुछ, तो देखो ये क्या हो रहा है कि ये जीरो है, ठीक है, और ये है तुम्हारा क्या, पाई का लाइन, और ये इधर क्या है, माइनस पाई का लाइन। ये जब कॉसेक जब जब एक्स मेरा जीरो था तो ये इन्फिनिटी पे था, जब एक्स जीरो था तो ग्राफ मेरा इन्फिनिटी पे कहीं पे है, ऊपर में कहीं पे भी होगा, जैसे मान लो यहाँ कहीं पे है, इससे इससे देख लो, यहाँ पे हम एक वैल्यू बना रहे वन, और यहाँ पे एक माइनस वन। जब ये जीरो पे था तो ग्राफ तुम्हारा इन्फिनिटी पे था, जब पाई बाई टू पे आया तो ग्राफ तुम्हारा कहाँ पे आ गया, वन पे आ गया, जब ये पाई पे गया तो फिर से इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है,
तो ये ग्राफ ऐसे करके उतरा चढ़ा उतरा और फिर से ऐसे चढ़ गया, समझ में आया? क्लियर? अब उसी तरह से जब हम इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे ना, तो माइनस पाई बाई टू पे ये ग्राफ कैसा दिखेगा तुमको? ये ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके चढ़ा और ऐसे उतर गया, और ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है? वैसे इधर भी ऐसे करके इधर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, और इधर ऐसे करके ये कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से तुम्हारा किसका ग्राफ बन जाता है? कॉसेक का ग्राफ, ठीक है? समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कॉट, इसी तरह से सेक एक्स का ग्राफ भी इसमें मैं बना के दिखाता हूँ तुमको। सेक एक्स का ग्राफ में क्या होता है? ये तुम्हारा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पहले बना लिया जाए, ठीक है, यहां ध्यान देना, ये तुम्हारा ओरिजिन है जीरो, ये है प्लस वन और ये है माइनस वन। जो काम यहां पाई बाई टू पे हो रहा वो काम यहां जीरो पे होगा, और सेम ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है? ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, और सेम काम इधर होगा ऐसे, माइनस वन से ऐसे नीचे उतर जाएगा ये, इधर भी वही काम होगा, माइनस वन से ये नीचे उतर जाएगा ये। समझ में आ गया? है कॉसेक जैसा ही ना, कॉसेक जैसा ही ग्राफ दिख रहा है ना, बस अंतर क्या है? ये जीरो पे यू टर्न मार रहा है, जीरो डिग्री पे यू टर्न मारता है, और ये पाई बाई टू डिग्री पे यू टर्न मारा ना यहाँ पे। समझ में आ गया? अब तुमको अगर ये ग्राफ में थोड़ा सा भी डाउट है तो तुम वैल्यू पुट करके देख लो। सेक एक्स मतलब व्हाट? सेक एक्स मान लो कि हम जीरो पे हैं, मतलब सेक जीरो, सेक जीरो मतलब वन बाई कॉस जीरो, और वन बाई कॉस जीरो मतलब वन बाई वन मतलब वन, यानी देखो जीरो डिग्री पे सेक कहाँ पे है? वन पे है। और देखो पाई बाई टू पे देखते हैं, सेक पाई बाई टू मतलब वन बाई कॉस पाई बाई टू, और वन बाई कॉस पाई बाई टू मतलब वन बाई जीरो मतलब इनफाइनाइट। देखो पाई बाई टू पे ये इनफाइनाइट के ऊपर चलता हुआ है, समझ आ गया ग्राफ? चलो इसको नोट कर लो, ठीक है, आइडिया रहना चाहिए, तुम भी इसको नोट कर लो। ये नहीं ना करवाए थे लास्ट टाइम? नहीं करवाए थे, साइन कॉस का सिर्फ करवाए थे, टेन कॉट सेक कॉसेक का नहीं करवाए थे। कर लो इसको, हाँ याद है, वाह। डोमेन और रेंज के बारे तो जानते ही हो सब। देखो डोमेन अगर बेसिकली और नॉर्मली अगर देखा जाए ना, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन ये होता है कि तुम्हारा कर्व, कर्व जो है, ग्राफ जो है, ठीक है, वो एक्सपेंड कहाँ से कहाँ तक हुआ? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ एक्सपेंड हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। रेंज के बारे क्या जानते हो? बोलो। रेंज का मतलब ये कि जो कर्व है, ठीक है, जो ग्राफ है तुम्हारा, वो एक्सपेंड कहाँ से कहाँ तक हुआ है? वाई एक्सिस पे, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखना यहाँ पे, अब तुम अपने से जरा देखो कि साइन एक्स एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ गया, उधर भी पूरा गया है, इधर भी पूरा चलता है, मतलब जीरो से लेके उधर भी प्लस इन्फिनिटी तक, और जीरो से लेके इधर लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक, ओवरऑल ये पूरा रियल नंबर तक, मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स का डोमेन क्या है? रियल नंबर। अच्छा रेंज का बात किया जाए तो ना तो ये माइनस वन से नीचे कभी गया, ना तो ये प्लस वन से ऊपर कभी गया, हमेशा ये माइनस वन से प्लस वन के बीच रहा है, यानी ये ग्राफ तुम्हारा जो है वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड हुआ? माइनस वन टू वन बस, ठीक है, माइनस वन टू वन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कॉस एक्स का भी वही, एक्स में ये कहाँ से कहाँ तक चला? रियल नंबर तक, और वाई में ये कहाँ से कहाँ तक चला? माइनस वन टू वन। टेन एक्स का जरा सोचो, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ चला? पूरा रियल नंबर तक है ना, लेकिन ये कहीं कहीं पे इन्फिनिटी भी दिया, और कहाँ कहाँ ये इन्फिनिटी दिया जरा देखो तो, हर ऑड पाई बाई टू पे, हर ऑड पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी दे रहा है। देखो पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी है ना, थ्री पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी है, तो आर में से हम लोग क्या करेंगे, हर ऑड पाई बाई टू को हटाते चलेंगे, समझ में आ गया, हर ऑड पाई बाई टू को घटाते चलेंगे। कॉटेक्स का जरा देखो तो, ये हर एन पाई पे जीरो दिया, सॉरी इन्फिनिटी दिया, देखो जीरो पे इन्फिनिटी है, π
पाई पे इन्फिनिटी है, टू पाई पे इन्फिनिटी है। अच्छा, इसका डोमेन हुआ ना, ये रेंज के बारे जरा बोलो। पूरा नीचे माइनस इन्फिनिटी, पूरा ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक गया, मतलब इसका रेंज क्या हो गया, पूरा रियल नंबर। कॉर्टेक्स के बारे में जरा बताओ, ये इसका डोमेन के बारे में बताओ। इसका डोमेन देखो, ये हर जगह पे चला पूरा रियल नंबर तक, लेकिन ये कहाँ कहाँ इन्फिनिटी दिया, हर पाई पे। देखो जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, उसके आगे थ्री पाई पे, यानी कि ये हर एन पाई पे तुमको इन्फिनिटी दिया। तो आर में से हर एन पाई को हटा देंगे, बस हो गया। अगर इसका रेंज का बात किया जाए तो नीचे भी पूरा, ऊपर भी पूरा, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब आर। इसके बारे जरा सोचो, इसका डोमेन के बारे बोलो। ये देखो, ये एक्स एक्सिस में का बात अगर किया जाए यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे ये हर जगह है ना। अगर इसका डोमेन का बात किया जाए तो ये एक्स एक्सिस पे हर जगह है, लेकिन ये कहाँ कहाँ इन्फिनिटी दे रहा है। देखो जीरो पे इन्फिनिटी दिया, पाई पे इन्फिनिटी दिया, उसके आगे पाई के आगे ये जो जहाँ पे ये चीज़ इन्फिनिटी दिया वो टू पाई होगा, है ना। इसके आगे जहाँ इन्फिनिटी दिया वो माइनस टू पाई होगा। तो ये आर से लेकर के हर एन पाई पे ये क्या दिया, इन्फिनिटी दिया। तो बस रियल नंबर में तो एन पाई को हटा देना है। और अगर रेंज का बात करें तो ये ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक फैला। देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक वो गया, माइनस वन से प्लस वन तक पूरा गायब रहा। देखो यहाँ बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक चला, उसके बाद गायब हुआ, और फिर शुरू कहाँ से हुआ, प्लस वन से प्लस इन्फिनिटी। समझ आ गया। अब इसका तुम अपने से बोलो, एक्स एक्सिस में ये कैसे फैला हुआ है। एक्स एक्सिस पे पूरा रियल नंबर, बस ये कहाँ कहाँ पे इनफाइनाइट दे रहा है, पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, मतलब हर ऑड पाई बाई टू, हर ऑड पाई बाई टू मतलब टू एन प्लस वन पाई बाई टू। और इसका रेंज का बात किया जाए तो रेंज वही है जो कॉसेक का था, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक चला, फिर बीच में गायब रहा, फिर प्लस से प्लस इन्फिनिटी तक चला। समझ आ गया ना, माइनस इन्फिनिटी से ये माइनस वन तक चला, उसके बाद गायब हुआ, और वन से फिर इन्फिनिटी तक चला। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। अब जरा देखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कोई कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल हो, अगर ऐसा कोई फंक्शन जहाँ कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, टू एक कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, थ्री एक कांस्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, ए एक कांस्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, वन बाई टू एक कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, माइनस वन एक कांस्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, वन बाई फाइव एक कांस्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है। समझ में आ रहा है, ये उल्टा हो गया। वन एक कांस्टेंट है और माइनस एक्स, ऐसा लिखते हैं, टू एक कांस्टेंट है और माइनस एक्स एक वेरिएबल है, ये उल्टा लिखा गया था। मान लो टू एक कांस्टेंट है, माइनस एक्स एक वेरिएबल है, इसका मतलब जानते हो क्या, टू का ऊपर माइनस एक्स तो ये नीचे चला जाएगा ना, वन बाई टू टू द पावर एक्स। ठीक है, समझ आ गया। और ये चीज इक्वल तो है ना, इक्वल।
ठीक है, वो गड़बड़ से बीच अंदर नीचे माइनस लग गया था, ये चीज़ मेरे को समझाना था। ठीक है, समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्स्टेंट के ऊपर वेरिएबल। अब जरा देखना, यानी कि जो भी फंक्शन है तुम्हारा, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ए टू द पावर एक्स। ठीक है, अब ये ए जो है ना, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है? ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, पहला चीज। ए हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। समझ आ गया? अब ये ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो दो केस इसमें बन सकता है, या तो जब ए तुम्हारा जीरो से बड़ा हो और एक से छोटा हो, या तो ए तुम्हारा एक से बड़ा हो। अब इसमें कौन कौन सा चीज आ सकता है? 1/2 to the power x, 1/3 to the power x। देखो, ए जीरो से वन के बीच है, 1/2 जीरो से वन के बीच है, 1/3 जीरो से वन के बीच है ना। तो अगर कांस्टेंट एक से कम है तो ये एक केस बना, और ए ग्रेटर देन वन में क्या बना? जैसे 2 to the power x हो गया, 3 to the power x हो गया, π to the power x, पाई मतलब 3.14, e to the power x, e के बारे जानते हो क्या होता है? 2.73 कुछ होता है ना, समथिंग। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इन दोनों चीज़ों को अलग अलग हम क्यों रखे पता है? ध्यान देना, ये अगर ए टू द पावर एक्स का अगर तुम ग्राफ बनाते हो, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं? ए टू द पावर एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या है दिया हुआ कंडीशन कि ए तुम्हारा ग्रेटर देन वन है। ठीक है, ए क्या है? ग्रेटर देन वन। जैसे हम मान लो 2 to the power x बना रहे हैं, अगर 2 to the power x अगर हम एकदम पीछे में मतलब माइनस इन्फिनिटी पे है, तो x की जगह में हम क्या रखेंगे? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, समझना, 2 to the power -infinity मतलब 1/2 to the power infinity, 1/2 to the power infinity मतलब 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, और 1/∞ व्हाट? जीरो। मतलब जब मेरा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे था एक्स का, तो वाई क्या दे रहा था? वाई क्या दे रहा है बोलो? वाई क्या दिया? जीरो। मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है। अगर मेरा वाई इज इक्वल टू 2 to the power x है, और एक्स के जगह में हम क्या पुट कर रहे हैं? जीरो। मतलब एक्स का वैल्यू जब जीरो है तो 2 to the power 0, और किसी भी चीज़ का पावर जीरो मतलब वन। मतलब ग्राफ आया यहाँ कहीं पे, मान लो प्लस वन पे यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए? वाई इज इक्वल टू 2 to the power x फंक्शन है, और x की जगह में हम इन्फिनिटी रखें, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया? 2 का पावर इन्फिनिटी, और 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। मतलब इधर जाते जाते ये कहाँ तक पहुँच गया? इन्फिनिटी तक। तो ग्राफ कैसा बना तुम्हारा? देखो, ऐसा ग्राफ बना तुम्हारा, ऐसा। ये किसका ग्राफ है? ये ए टू द पावर एक्स। अब ये ए टू द पावर एक्स में हर वो चीज जैसे 2 का पावर x, 3 का पावर x, e का पावर x, सबका यही ग्राफ, अगर तुम्हारा ये कांस्टेंट एक से बड़ा है तो। ठीक है, अब यही चीज को हम इस पे सेकंड वाले, ये तो तुम्हारा सेकंड वाला केस हो गया, अब फर्स्ट वाले केस पे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, अब आते हैं फर्स्ट वाले केस पे। पहले तो अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के इधर तैयार रखो। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है? वाई इज इक्वल टू, हम कोई ऐसा चीज लेते हैं जो कि एक से कम है, यानी 1/2 to the power x, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब तुम अपने से बताओ कि जब हम x का पावर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1/2 to the power -infinity, 1/2 to the power -infinity मतलब 2 to the power infinity, 2 to the power infinity मतलब इन्फिनिटी। यानी कि जब फंक्शन मेरा माइनस इन्फिनिटी तरफ था तो इन्फिनिटी कहीं पे था मेरा, ठीक है, बहुत ऊपर था। अगर हम x का जगह में माइनस इन्फिनिटी रखें तो y का वैल्यू क्या आया? इन्फिनिटी। दूसरा चीज, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू जीरो रख देते हैं, x इक्वल टू जीरो, तब तो ये वन ही देगा, मतलब ग्राफ कहाँ पे आया? यहाँ पे। उसके बाद फिर जब हम क्या किए, एक्स का जगह में प्लस इन्फिनिटी रख दिए तो वाई का वैल्यू क्या आ गया? 1/2 का पावर इन्फिनिटी। और कभी भी अंदर में लेस देन वन हो और पावर में इन्फिनिटी, अंदर में लेस देन वन हो और बाहर में इन्फिनिटी मतलब जीरो होता है। समझ में आया? क्यों जीरो होता है पता है? क्योंकि तुम जो अपने से कैलकुलेट करते रहो, 1/2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा? 1/4। उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16।
और उसका स्क्वायर करेंगे तो बोलो बहुत आगे, बहुत छोटा, धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है ना। तो जब सोचो कि 1/2 का पर इन्फिनिटी कर देंगे तो लगभग लगभग जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये जब हम इन्फिनिटी में है तो फंक्शन मेरा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यानी ग्राफ कैसा बना, ऐसा। ठीक है, अब समझ में आया कि ये चीज को और ये चीज को अलग क्यों रखा गया? क्योंकि ग्राफ डिफर करता है, समझ आ गया? क्लियर, फंसोगे नहीं अब इसमें कभी, नोट कर लो इसको। अभी जस्ट तुम लोगों को मैंने बताया कि ये होता है ग्राफ, अगर 2 का पावर x हो तो भी ऐसा ही, 3 का पावर x होगा तो भी ऐसा ही, 4 to the power x होगा तो भी ऐसा ही। तो सबका ग्राफ सेम कैसे हो सकता है? नहीं ना, चेंजेस होगा ना। तो देखो क्या चेंजेस रहता है वो देखना। अगर मान लो ये 2 to the power x का ग्राफ हो है ना, तो 3 to the power x का ग्राफ इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, दिखेगा ऐसा ही है ना, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएगा, देखना कैसा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इधर ये नीचे रहेगा उधर वो ऊपर रहेगा, क्लियर? अगर ये 2 to the power x तो ये 3 to the power x, अगर 5 to the power x बनाएंगे इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, समझ में आ गया ना? तो ये अंतर रहता है दोनों में, इसका यूज भी करेंगे डोमेन रेंज वगैरह निकालने में। अभी सिर्फ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को समझते चलो, उसके बाद है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखो क्या होता है, तुम लोग ये पढ़े हो इनवर्स फंक्शन पढ़े हो क्या? ये पता है एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉगरिथमिक होता है, ये किसको पता है? होता है, पता है, मालूम है? इनवर्स फंक्शन का मतलब देखो क्या होता है, ध्यान देना, बस थोड़ा सा बेसिक मैं बता रहा हूँ। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि अगर y इज इक्वल टू 3x+1 है, ठीक है, अगर तुम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 4। अगर x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 7। अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 9। अगर x का वैल्यू 4 पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 13। हाँ, 10 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया ना? ये है पूरा, ऐसे ही करके चलता रहेगा। ये एक फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x+1 एक फंक्शन है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे क्या करो ना, ये फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ y में बदलो, जैसे x को धीरे धीरे अलग करते चलो। जैसे ये 1 को पहले इधर ले गए, ये 3x अकेला रहा, फिर x को अकेला छोड़ दिए तो ये बन गया y-1/3। तो एक फंक्शन मेरे पास क्या आया, x = y-1/3, एक ऐसा फंक्शन आया जहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो चुका है। तो अगर ये फंक्शन है ना, तो ये उसका क्या है, इनवर्स है, समझ आया? तो देखो अब हम क्या करेंगे ना, कि y का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिला। अब y का वैल्यू जब हम 7 पुट करेंगे ना तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू जब हम 10 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू जब हम 13 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, समझ आया? अगर ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x+1 इज अ फंक्शन, देन x इज इक्वल टू y-1/3 इज वॉट, इनवर्स फंक्शन, क्लियर? अब ध्यान देना कि हाँ नहीं, सारा फंक्शन का इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता है। इनवर्स का देखो, इनवर्स फंक्शन को फाइंड करने का जो है ना, इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, कि वो फंक्शन 1-1 होना चाहिए। 1-1 के बारे जानते हो, पढ़ाएंगे अभी, है ना, 1-1 फंक्शन होना चाहिए। और
ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। वन वन फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, सर्जेक्टिव फंक्शन। और जब ये दोनों एक साथ मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब देखो, ये अभी हम इस पर डिटेल में भी आएंगे नहीं, बस हल्का फुल्का जान लो। ऑन टू का मतलब ये होता है जब कोर डोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, ठीक है। और वन वन का फंक्शन होता है, मतलब होता है कि एक एक्स का तीर एक ही वाई को लगे, ठीक है। आएंगे उस पर, ठीक है, अभी अभी ग्राफिकल पे है उस पर भी आएंगे। तो इसको वन वन बोलते हैं, इसको ऑन टू बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकाला जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब जैसे देखो, ये फंक्शन और ये उसका इनवर्स, ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं, अगर मान लो कि a टू द पावर x हम लिखते हैं कुछ, जैसे मान लो कि हम 2 टू द पावर x लिखे, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या दे रहा है, y दे रहा है, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि अलग अलग काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अगर लॉग ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई बेस टू इक्वल टू एक्स। यहां पे हम एक्स का वैल्यू डालेंगे तो वाई मिलेगा, और यहां पे वाई का वैल्यू डालेंगे तो एक्स मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है लॉग, ठीक है। ये पहला फंडा है तुम्हारा इनवर्स का, ये तुम्हारा बस एक्सपोनेंशियल को हम लॉग में बदल के दिखाएं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखने वाला चीज़ क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर तुमको दिया हुआ है, ठीक है, उसका इनवर्स का अगर तुमको ग्राफ निकालना है तो हम क्या करते हैं ना, स्टेप नंबर वन, स्टेप वन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। स्टेप टू पे क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ अ लाइन y इज इक्वल टू एक्स। स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं, ड्रॉ द इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये स्टेप है इनवर्स फंक्शन का, क्या, ग्राफ बनाने का। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, तुम लोगों को ये आइडिया है ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ऐसा ग्राफ है ना, आइडिया। लॉग का ग्राफ अगर कोई देखे हो तो आइडिया होगा, लॉग एक्स मतलब ऐसा ग्राफ है ना, है ना आइडिया। अब जरा ध्यान देना कि ये बना कैसे, ये कैसे बना, हम लोगों को क्या पता है, हमको पता है कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर x होता है फंक्शन, और अगर इसका इनवर्स निकालेंगे तो log x जो है वो इसका इनवर्स है। तो हम क्या करें, log x का ग्राफ बनाने के लिए स्टेप वन फॉलो किए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, स्टेप वन में। तो हम y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ ड्रॉ किए, ये हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, कोई प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप में बोलता है कि आप ड्रॉ करिए y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ किए, ये y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद ये क्या बोलता है कि आप इस रेड वाला जो है ना, यानी a टू द पावर x का जो ग्राफ है, इसका इमेज बनाइए इसके अबाउट, मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है ना, इसको मिरर मान लो। अगर तुम इसको मिरर मानोगे तो इसका एक्चुअल में इसका ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना। क्या ये रेड वाला का इमेज ब्लू वाला लग रहा है क्या, लाइन लग रहा है ना, किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट, यानी ये क्या है, मिरर है। इसको जरा मिरर जैसा बना भी दो, है ना, ये मिरर है ना, मिरर के पीछे में थोड़ा सा सिल्वर्ड रहता है, तो देखो ये मिरर जैसा लग रहा है तुमको, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो मिरर है, ये ग्राफ है ए टू द पावर एक्स का और ये ग्राफ है किसका, लॉग एक्स का, समझ आ गया।
और ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि ये वो वाला ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ है जहाँ पे ए क्या था ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन वन, ये था ए ग्रेटर देन वन। अच्छा अब तुम बताओ कि अगर ए लेस देन वन है तो उसका ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा बनता था क्या, ऐसा बनता था, हाँ ऐसा ही बनता था ना। अब इसका वाई इज इक्वल टू ये, अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है जहाँ पे ए लेस देन वन था, तो ये मेरा बन गया ग्राफ स्टेप वन। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दिए वाई इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ। अब देखो इस चीज का इमेज बना ऐसा, देखो ये वाला जो चीज है ना इसका इमेज बनेगा ऐसा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, और ये वाला जो लाइन है इसका इमेज कैसा बनेगा ऐसा, ठीक है समझ आया कुछ। तो ये वाला अगर log x तो ये वाला भी log x, ठीक है, अगर इसका बेस a है और a ग्रेटर देन 1 है तो इसका बेस a जो होगा वो लेस देन 1 होगा, समझ आ गया ना। यानी कि ओवरऑल ये दोनों चीज को यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं, एक log x ऐसा होता है और एक log x ऐसा होता है, ठीक है। log में क्या क्या होता है, ये होता है log x बेस a, ये भी है तुम्हारा log x बेस a, अंतर क्या है, ये वाला में जो बेस है a वो ग्रेटर देन 1 है और ये वाले में जो बेस a है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, क्लियर। नोट कर लो,